हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सीड मार्केटिंग। बीज का बाजार कैसे फैला हुआ है और इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। मैं हूँ हेमंत टोपो, असिस्टेंट प्रोफेसर इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायपुर। सीड मार्केटिंग एक प्रोसेस हम कह सकते हैं जिसमें बीजों से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं और बीजों का जो भी बिक्री और एक्सचेंज के बारे में जो भी प्रोसेस होते हैं उसे सीड मार्केटिंग कहते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल दोस एक्टिविटीज जिसमें बीजों का ट्रांसफर होता है और प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस होने के बाद ट्रांसफर होता है और एंड यूज़र तक जाता है। ये पूरे प्रोसेस इसमें एक्टिविटीज आते हैं। और किसी भी सीड मार्केटिंग को सक्सेसफुल होने के लिए, किसी सीड कंपनी का सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मार्केट प्लेस को समझा जाए और कस्टमर के नीड को समझा जाए, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं। फंक्शंस एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या फंक्शंस होते हैं सीड मार्केटिंग के दौरान। पहला है एक्सचेंज ऑफ सेल, एक्सचेंज और सेल, बीजों का आदान प्रदान या उसकी बिक्री। फिजिकल सप्लाई जिसमें ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज आते हैं। फैसिलिटेशन, कौन कौन से अन्य प्रोसेस हैं जो उनको फैसिलिटेट करते हैं, जैसे मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्शन का प्लानिंग, सीड का प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, बिक्री, सेल्स एंड प्रमोशन। तो ये सब फंक्शंस का क्या ऑब्जेक्टिव है। तीन मेन ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर को पहचानना, उसको सेटिस्फाई करना और उसको बनाए रखना, रिटेन करके रखना। फिर सीड सेल और सीड मार्केटिंग, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जनरली अपन सेल कहते हैं किसी भी चीज़ का और मार्केटिंग कहते हैं, तो इसमें क्या अंतर है। सेल का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी प्रोड्यूसर है उसने प्रोड्यूस किया है उसका चीज़ मार्केट में सेल हो जाए। तो प्रोड्यूसर ओरिएंटेड रहता है, प्रोड्यूसर का नीड और इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए सेल किया जाता है। और इसमें प्रमोशन किया जाता है और प्रॉफिट देखा जाता है। तो इसमें प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है कोई सिलेक्टेड वैरायटी, उसको सेल किया जाता है, उसका प्रमोशन किया जाता है और प्रॉफिट उससे निकाला जाता है। और जहां हम देखेंगे सीड मार्केटिंग, सीड मार्केटिंग एक ओवरऑल प्रोसेस है जिसमें कि फार्मर के नीड्स को देखा जाता है और उसमें मेन जो एक्टिविटीज़ होते हैं, पूरा प्रोसेस होता है, उसका स्टडी किया जाता है। इसमें क्या होता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या देखा जाता है, टारगेट मार्केट, कौन सा ऐसा मार्केट है जो कि किसी कंपनी को बेस्ट रिटर्न दे सकता है, ये देखा जाता है। फार्मर का क्या नीड है या डिमांड है, उसको अच्छी क्वालिटी मिले और जो वैरायटी वो डिमांड कर रहा है वो उसे मिले। मार्केटिंग स्ट्रेटजी की मार्केट में कैसे अपना प्रोडक्ट रखना है, उसका प्लानिंग, पैकेजिंग कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे और उसका प्राइस क्या रखा जाएगा। और इसके बाद इसमें और आता है आफ्टर सेल्स सर्विसेस। सेल होने के बाद फार्मर से फीडबैक लिया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है और अगर फीडबैक अच्छा हो तो उसे एज ए प्रॉफिट माना जाता है। अगर फार्मर सेटिस्फाई है तो उसे प्रॉफिट माना जाता है। तो सीड मार्केटिंग के 4 P's, जिसके बारे में मार्केटिंग में 4 P's, 4 कंट्रोलेबल पैरामीटर्स इन बिजनेस हम इस रूप में भी जानते हैं। पहला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। दूसरा प्राइस, प्राइस ऐसा होना चाहिए जो फार्मर उसको अफोर्ड कर सके, उसको ले सके और
कंपनी को इससे प्रॉफिट भी हो सके। प्लेस, प्लेस सही जगह में उसका पहुंचना चाहिए और सही टाइम में प्रोडक्ट हमारा पहुंचना चाहिए। प्रमोशन, प्रमोशन उसका अच्छा होना चाहिए जिसे फार्मर उस प्रोडक्ट के बारे में जाने। फिर फैक्टर्स इन सीड मार्केटिंग, डिमांड एंड सप्लाई। तो सीड मार्केटिंग में फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिमांड एंड सप्लाई, ये दो फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं सीड इंडस्ट्री। डिमांड किसी भी फार्मर का किसी स्पेसिफिक सीड को खरीदने की इच्छा, डिज़ायर या विलिंगनेस को डिमांड कहा जाएगा। सप्लाई, जो सीड प्रोड्यूसर है वो कैसे बीज उत्पादन करके मार्केट में उसको पहुंचा रहा है ना, किस कौन से टाइप के सीड को पहुंचा रहा है या सप्लाई कर रहा है, ये सीड प्रोड्यूसर का बिहेवियर होता है। तो इसका रिलेशन होता है जो कि ये ग्राफ में अपन देख सकते हैं, और जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि देयर इज अ नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड एंड द प्राइस। इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड। किसी भी नॉर्मल मार्केट में हम देख सकते हैं कोई सब्जी हो, अगर उसका डिमांड है या कोई भी नई सब्जी आती मार्केट में उसका डिमांड होता है, पर अगर वो कम क्वांटिटी में है तो उसका रेट जो है वो प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। क्वांटिटी कम है तो प्राइस ज़्यादा हो जाता है, और वही वेजिटेबल जब ज़्यादा आने लगता है तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस कम हो जाता है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है। वैसे ही बीजों में भी है, अगर डिमांड है और क्वांटिटी अगर उसका कम आ रहा है तो प्राइस उसका बढ़ सकता है। तो प्राइस बढ़ने के कारण क्या हो सकता है, फार्मर मे डिसाइड टू यूज़ देयर ओन सीड। फार्मर हो सकता है वो अपना बीज ही उपयोग करे और नया गुड क्वालिटी सीड वो नहीं खरीदे। फार्मर क्योंकि देखता है, फार्मर परचेज सीड, प्राइस को देख के सीड खरीदता है, कई बार ऐसा होता है। तो ये उसका ग्राफ जो बताता है डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। फॉरकास्टिंग, ये एक अनदर है। फॉरकास्टिंग मीन जैसे वेदर फॉरकास्टिंग हम लोग करते हैं, पूर्व अनुमान लगाते हैं। फॉरकास्टिंग सीड डिमांड कि आने वाले टाइम में कितना सीड डिमांड होगा, तो ये अपन अनुमान लगाते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर डिमांड किस बेसिस पे, कि पिछले साल या पहले कैसा पैटर्न रहा, कैसा डिमांड रहा, और अभी क्या नया टेक्नोलॉजी आया है या क्या नया ट्रेंड आया है उस बेसिस पे। तो फॉरकास्टिंग करने के बाद सीड का टारगेट सेट किया जाता है। टारगेट सेटिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सेट्स टारगेट कि कितना बीज उत्पादन करना है प्राइवेट और पब्लिक गवर्नमेंट के द्वारा, ये कोऑर्डिनेट करता है। फिर ग्रोथ ट्रेंड्स देखा जाता है इसमें फॉरकास्टिंग करने के लिए कि किस प्रकार का कितना ग्रोथ हर साल रहता है, या फिर कोई नया टेक्नोलॉजी आया है उसका क्या ग्रोथ रेट है। सैम्पलिंग किया जाता है ये पूर्व अनुमान लगाने के लिए। और फिर इसके बाद अपन देखेंगे कि डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और डिमांड को अनुमान लगाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसी एरिया में। तो पहला है क्रॉपिंग पैटर्न, किसी एरिया में कौन सा क्रॉप लगाया जाता है। फिर टाइप ऑफ सीड, कौन सा बीज यूज किया जाता है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ, और उस क्रॉप का प्रोडक्ट का क्या डिमांड है, वहाँ मार्केट अवेलेबल है कि नहीं, और जो फार्म से इनकम आ रहा है वो खर्च करने योग्य है कि नहीं, डिस्पोजेबल फार्म इनकम। रेट और लेवल ऑफ एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, वहाँ फार्मर न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कितनी जल्दी कर रहा है वो भी डिपेंड करता है।
गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है कि कोई सब्सिडी तो अवेलेबल नहीं है। क्रॉप साइकिल क्या चलता है, मींस कौन से क्रॉप के बाद कौन सा क्रॉप लगाया जाता है। वहाँ के फार्मर का हैबिट या ट्रेडिशन कैसा है, और हमारे प्रोडक्ट या पहले जो प्रोडक्ट थे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और हमारा प्रोडक्ट जो आ रहा है या नया कोई वैरायटी आ रही है, सीड आ रहा है, उसका कॉम्पिटिटिवनेस कैसा है और उसका प्राइस कैसा है, प्रमोशन कितना हुआ है। ये सब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड की, फार्मर के बीच में इन सीड का या नई वैरायटी का डिमांड रहेगा या कितना डिमांड रहेगा या नहीं रहेगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे मार्केटिंग स्ट्रक्चर। कोई भी सीड मार्केटिंग का एम यही रहता है कि वो फार्मर के डिमांड को पूरा करे, सप्लाई करे और उसको इम्प्रूव्ड वैरायटी गुड क्वालिटी का अच्छे प्राइस में मिल सके। तो मार्केटिंग स्ट्रक्चर में दो चीज़ अपन मेन पहले देखेंगे। सीड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बीज कहाँ से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है फार्मर्स को, तो इसमें गवर्नमेंट भी बेचती है, गवर्नमेंट कैरी आउट सीड डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक सेक्टर एजेंसीज या गवर्नमेंट की एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व होती है, कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव ग्रुप्स एंड प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कंपनी या इनका मिला जुला रूप से डिस्ट्रीब्यूशन करती है। और इसमें चैनल कैसा बनता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट सेल करती है प्रोड्यूस करके या प्राइवेट सेक्टर, या वो सिंगल लेवल में या मल्टी लेवल में, इसको अपन देखेंगे ये क्या होता है कि डायरेक्ट, सिंगल लेवल और मल्टी लेवल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अपन देखते हैं, द सीड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन सप्लाइज द फार्मर डायरेक्टली। अगर वो डायरेक्टली फार्मर को सीड बेच रहा है, मतलब प्रोड्यूसर ही डायरेक्ट फार्मर को दे रहा है, और सिंगल लेवल में आता है कि सीड प्रोड्यूसिंग कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन फार्मर को डायरेक्ट नहीं देती है, वो देती है किसी रिटेल आउटलेट को या दुकान को, रिटेल दुकान को या आउटलेट को वो बीज दे देती है, जो कि उससे इंडिपेंडेंट होता है, उसका कोई रिलेशन नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो नहीं होता है, और वो फिर अपने हिसाब से फार्मर को वो सीड देता है। और मल्टी लेवल में आता है कि सीड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दिया या होलसेलर को दिया, होलसेलर ने फिर और कोई डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, या फिर उसने फिर उसके बाद उसने रिटेल की दुकान या छोटी दुकान को उसने दिया, जिससे फिर फार्मर के पास गया। तो ये मल्टी लेवल में सीड पहुंचता है। और फिर सोर्सेस ऑफ सीड की, कौन कौन से सोर्स से सीड मिलता है। डायरेक्ट सेल के द्वारा प्रोड्यूसर डायरेक्ट सेल करता है, या फिर कई बार कोई फार्मर प्रोड्यूसर होता है, फार्मर के द्वारा भी मिलता है, कोऑपरेटिव के द्वारा भी सीड फार्मर को मिलता है, कोई फार्मर कई बार डीलर के रूप में काम करता है तो उसके द्वारा मिलता है, फार्मर डीलर के द्वारा, कई बार कमीशन एजेंट्स के द्वारा भी बीज मिलता है। फिर है ग्रेन मर्चेंट्स, ग्रेन के व्यापारी के द्वारा, बीज के व्यापारी के द्वारा। फिर क्रॉप बायर्स, जैसे कई लोग बायर होते हैं, कलेक्टर होते हैं, कॉमोडिटी ट्रेडर होते हैं, जो कि फार्मर से सीड खरीदते हैं और उसे मार्केट में बेचते हैं। फिर रिटेल स्टोर या डीलर से, रिटेल स्टोर यानी कि टाउन विलेज में रिटेल की दुकान होती है, वहाँ से वे लेते हैं। और कई बार इंडस्ट्रियल प्रोसेसर, कई इंडस्ट्री जो कि सीड प्रोसेसिंग करती है, वो भी डायरेक्ट सीड बेचती है। कई बार कोल्ड स्टोरेज ऑपरेटर, जैसे कि पोटैटो, आलू के कोल्ड स्टोरेज से वे डायरेक्ट पोटैटो सीड्स कई बार बेचते हैं। कस्टमर आउटलेट्स, जैसे शॉप्स है, सुपरमार्केट्स है, वहाँ पर से
कस्टमर को दिया जाता है। और सोर्सेस ऑफ सीड में फिर है मेल ऑर्डर, जैसे ईमेल या फिर कोई ऑर्डर के द्वारा बाय पोस्ट या बाय मेल उनको वेजिटेबल या फ्लावर के सीड उपलब्ध होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या एक्टिविटीज़ होते हैं इसका फ्लो चार्ट अपन देखेंगे। पहला, वो प्रोडक्ट डेवलप करता है या मैनेजमेंट करता है, कैसे प्रोडक्ट डेवलप करना है। डेवलप करने के बाद उसका एडवर्टाइजमेंट करता है, प्रमोशन करता है, फिर उसको सेल करता है। सेल के लिए उसके पास ऑर्डर आते हैं तो वो उस ऑर्डर के हिसाब से वो सामान भेजता है, और वो हमेशा उसके बाद उसको वो जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका स्टॉक वो मेंटेन करता है और क्वालिटी भी अश्योर करता है। फिर जो प्रोडक्ट उसके पास है या सीड है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करता है बाय ट्रांसपोर्टेशन। फिर जहाँ से जो भी सेल हो रहा है उसका वो बिल बनाता है, इनवॉइसिंग करता है, बिल बनाता है और रिकॉर्ड रखता है। फिर मैनेजमेंट ऑफ सेल्स इन्फॉर्मेशन, जो भी सेल उसने किया है उसका इन्फॉर्मेशन वो रखता है और उसको वो एनालाइज करता है कि कितना उसके सेल हुआ है, और इस हिसाब से फिर वो लास्ट में कस्टमर को भी सेटिस्फाई करता है। कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है तो कस्टमर केयर भी करता है। तो प्रमोशनल नेक्स्ट टॉपिक है फिर प्रमोशनल एक्टिविटीज, कि क्या क्या प्रमोशनल एक्टिविटीज सीड मार्केटिंग में किया जाता है। प्रमोशनल एक्टिविटीज का मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका जानकारी या उसका मैसेज कंज्यूमर तक या डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंच सके। तो इसमें पहला एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग थ्रू प्रिंट मीडिया या ब्रॉडकास्ट मीडिया, आउटडोर मीडिया एंड पैकेजिंग डिजाइन, इसके बारे में हम देखेंगे। प्रिंट मीडिया यानी न्यूज़पेपर या टीवी के माध्यम से या पर्चे चिपकाए जाते हैं, होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, या पैकेजिंग डिजाइन के द्वारा पैकेट उसका कैसा है। फिर उसके बाद है सेल्स प्रमोशन, ये इसमें स्पेसिफिक टेक्निक्स सेल की लगाई जाती हैं कि कैसे सेल किया जाए मार्केट में पर्टिकुलर सीड को उसके लिए। फिर पर्सनल सेलिंग, सेल्समैन सेल करता है सीड बाय पर्सनल कम्युनिकेशन के द्वारा। फिर पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन, कि जनरलाइज्ड कम्युनिकेशन होता है जिसमें किसी कंपनी का को प्रमोट किया जाता है या कंपनी के बारे में लोगों के बीच में बताया जाता है, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन रखा जाता है। फिर उसके बाद है थ्रू एक्सटेंशन एक्टिविटीज, जैसे कि विजुअल मटेरियल बनाया जाता है या फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन के द्वारा प्रमोट किया जाता है किसी नए सीड वैरायटी को। फिर इसमें अपन देखे थे एडवर्टाइजिंग में क्या क्या आते हैं, पब्लिश्ड मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग या किसी मैगजीन में एडवर्टाइजिंग किया जाता है या किसी प्रोफेशनल बुक या जर्नल में इसका एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है या प्रिंट किया जाता है, जिससे कि नए वैरायटी के बारे में पता लगता है लोगों को या फिर किसी प्रोफेशनल को, स्टूडेंट को नए वैरायटी के बारे में पता लगता है। ब्रॉडकास्ट किया जाता है कोई अच्छी वैरायटी का टेलीविज़न, रेडियो या सिनेमा के माध्यम से। आउटडोर मीडिया जैसे पोस्टर लगाए जाते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट में, बस में या वॉल्स में या बिल्डिंग में पोस्टर या साइन लगाए जाते हैं जिसके द्वारा किसी सीट का प्रमोशन होता है। पैकेजिंग डिज़ाइन, जो पैकेट बनाया जाता है उसमें किस प्रकार से प्रिंट किया गया है, ब्रांड कंपनी या लोगो रखा गया है, फोटोग्राफ उसमें जो लगाया गया है वो भी एक प्रकार से एडवर्टाइजिंग कहलाता है। तो ये हो गया अपना सीड मार्केटिंग टॉपिक कवर, और इसमें जिन रेफरेंस से आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड
इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और सजेशन प्लीज कमेंट एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.